मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली बनाएंगे। देखिए दोनों चोली में मैंने तीन तीन रो बनाई है। ये देखिए देखिए ये चोली छोटी है और ये चोली थोड़ी सी बड़ी है। इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है 3 mm और ये 4 प्लाई की वूल है। 3 प्लाई की वूल से बनाते हैं तब भी सेम बनेगी, लेकिन अगर आप 2 प्लाई की वूल लेते हैं तो उससे चोली लूज बनेगी, थोड़ी साइज़ में बड़ी हो जाएगी। तो 3 या 4 प्लाई की वूल के ऊपर आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, एक चेन जो बनी हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 चेन बनाई हमने। ये देखिए यहाँ पर आप थंब रख लें। इसके बाद 1, 2, 3 चेन लिए, यही वाले 3 चेन स्किप करेंगे जहाँ पर हमने ये थंब रखा था। उस चेन में, फोर्थ चेन में मैंने पहला डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो हर चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। 13 हमने चेन ली थी तो 13 ये हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू में हमने जो 3 की चेन ली है एक डबल क्रोशिया उसको काउंट करेंगे, तो फर्स्ट रो में ये मेरे पास 14 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। ये देखिए काउंट करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 8, 12 और ये 2, 14 1, 2, 3 चेन लिए हमने तो मेरे पास 14 है। हर चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए स्टार्ट में हमारे पास जो चेन है इसमें भी हमने बनाया है बिल्कुल स्टार्ट वाली, तो जो बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन थी उसमें हमने 3 की चेन बनाई, एक डबल क्रोशे बनाया, तो ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट में इसी तरह से 2 बना लेंगे, 1 और 2। देखिए 1 और 2, तो हर चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हर चेन के ऊपर 2-2 बनाए हैं। लास्ट में देखिए ये जो 3 की चेन है इसमें भी हम 2 बनाएंगे, थर्ड चेन में 1 बनाया, 1 और बना लेंगे यहीं पर। तो अब यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट में 14 थे, 14, तो सेकंड रो में ये 28 हो गए, 28। थर्ड रो बनाएंगे, इसमें हम आर्म होल बनाएंगे। 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर देखिए स्टार्ट वाली में नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने इंक्रीज नहीं करने, अब यहाँ पर बनाएंगे। 3 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशे करने हैं। देखिए 3 डबल क्रोशे किए, एक शुरू में चेन थी तो टोटल ये 4 हो गए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने स्किप किए, 7th में हमने डबल क्रोशे किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाए। शुरू में 4 बनाए थे, 4 का डबल 8 बैक के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्किप किए और दूसरी साइड जो हमारी फ्रंट साइड है वहाँ पर भी हम 4 बनाएंगे। और लास्ट में थर्ड चेन में यहाँ पर हम चोली को ज्वाइन करेंगे। देखिए ये सेकंड है, इसका इसकी चेन में नहीं करना, जो शुरू में जो 3 की चेन है थर्ड चेन में हमने ज्वाइन करना है इसे इस तरह। तो 1 नंबर का ना जैकी ड्रेस की चोली देखिए कितनी सुंदर बनी है, छोटी सी। तो फ्रंट में देखिए यहाँ पर नीचे मेरे पास 4 + 4 = 8 हो गए, 4 + 4 = 8 और 8 मेरे पास बैक साइड है 8, तो टोटल ये 16 हो गए, 16। अब हम 0 नंबर गोपाल जी की चोली बनाएंगे।
देखिए टोटल मैंने 3 रो बनाई है, 2 के बाद आर्म होल बनाया है, इसमें भी 3 रो बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, उसमें हमने 13 चेन ली थी, 13, तो इसमें हमने 12 ली है, 12। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप थंब रखेंगे, 1 2 3 चेन लिए, यही वाली 3 स्किप करेंगे, और फोर्थ में हमने डबल क्रोशिया किया। लेकिन यहाँ पर जो हम डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से हम बड़े बड़े नहीं करेंगे, छोटे थोड़े साइज़ के बनाएंगे। इस तरह से छोटा सा डबल क्रोशिया किया, यहाँ पर भी हम 3 रो इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया हमने नॉर्मल साइज़ कर लिया है, लेकिन यहाँ पर छोटे साइज़ के बनाएंगे तो चोली की लेंथ छोटी हो जाएगी 0 नंबर के लिए। नेक्स्ट में देखिए, नॉर्मल साइज़ का डबल क्रोशिया जब हम बनाते हैं तो इस तरह से रखते हैं फंदे को, लेकिन अगर हमने जानबूझकर छोटा बनाना होता है तो इस तरह से हम बस यहाँ पर क्रोशिया हुक रखते हैं, इसको इस तरह से बड़ा नहीं रखते। उससे हमारे पास जो डबल क्रोशिया होते हैं वो छोटे छोटे बनेंगे, हाफ डबल क्रोशिया की हाइट के बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 हमने चेन लिए थे, 12 हमारे ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू में एक 3 की चेन है, तो ये टोटल फर्स्ट रो में 13 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 13। काउंट करें, ये 1 2 3 4, ये 4 हैं, 4 8, और ये 4 12, और 1 13, 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न किया। जब आप छोटी साइज़ के डबल क्रोशिया बनाते हैं तो ये चेन भी आपने ज़्यादा खुली नहीं लेनी होती, लूज़ नहीं, तो इसको भी थोड़ा सा आपने हल्के हाथ से बनाना है, थोड़ा टाइट बनाना है। तो फर्स्ट वाले के ऊपर ये देखिए स्टिच के ऊपर नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर ये 3 की चेन आएगी, यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। उसी तरह से छोटे छोटे से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसी में फिर से बनाया, दो, सेम स्टिच में मैंने 2 बनाए, इसके बाद फिर से 2 बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, हर स्टिच के ऊपर 2 बनाएंगे, लेकिन जो लास्ट में 3 की चेन है उसके ऊपर 1 बनाएंगे, जैसे हमने शुरू में 1 रखा है। ये रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने, हर स्टिच में मैंने 2 बनाए हैं, लास्ट में जो लास्ट 3 की चेन है वहाँ पर 1 बार बनाएंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसके ऊपर 2 बने हैं, लास्ट में 1 बने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट रो में 13 थे, 13 13 में से हमने एक इस साइड 1 बनाया है इस स्टिच के ऊपर, और फर्स्ट वाले इस स्टिच के ऊपर भी 1 बनाया है, तो बीच में ये हमारे पास 11 है, 11 के ऊपर मैंने 2 2 बनाए हैं, तो 22 ये हो गए, एक इस साइड एक इस साइड, तो 24 हो गए। सेकेंड रो में 24 डबल क्रोशिया हैं मेरे पास। थर्ड रो बनाएंगे, देखिए फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। उसी तरह से डबल क्रोशिया हमने बहुत बड़े बड़े नहीं रखने, 3 डबल क्रोशिया किए, एक हमारी 3 की चेन थी, तो ये टोटल 4 हो गए मेरे पास। 1 2 3 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 1 2 3 4 स्किप किए, 1 बनाया, ये 2 3 और ये 4। अब हम ज्वाइन करेंगे चोली को, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे।
ठीक है, 0 नंबर का ना जी की चोली, और 1 नंबर चोली में हमने स्टिचेस का ज़्यादा फर्क नहीं रखा, लेकिन फिर भी आप देखिए ये कितनी छोटी है और ये बड़ी है, फ़र्क इतना है। देखिए इसमें भी हमने 3 रो बनाई है, और लेकिन हमने डबल क्रोशिया छोटी हाइट के रखे हैं, तो उसकी लेंथ उसी से देखिए छोटी हो गई, और इसमें भी हमने 3 रो बनाई है। और ये जो हमारे पास सेकेंड रो थी, इसमें हमारे पास 28 स्टिच थे, 28, लेकिन यहाँ जो हमने सेकेंड रो बनाई है यहाँ पर हमारे पास 24 स्टिच थे, 24। बस इसमें हमने जो 6 स्किप किए हैं यहाँ पर हमने 4 स्किप किए हैं। उसी से देखिए सारी मेजरमेंट्स छोटी हो गई, 0 और 1 नंबर का साइज़ का देखिए फ़र्क आ गया। तो अब आप यहाँ पर किनारी बना सकते हैं, अगर किनारी बनाना चाहते हैं तो किनारे स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया, पहला सिंगल क्रोशिया हम यहीं पर बनाएंगे। देखिए इस तरह से, इसके बाद एक चेन ली हमने, नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, हमने टर्न लेना है यहाँ पर नेक के लिए, इसी जगह फिर से एक और बनाएंगे। इसके बाद देखिए हमने, इसके बाद मैंने चेन नहीं ली, हर होल में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में एक एक बनाते जाएंगे। एक और दो चेन लेंगे, यहाँ पर टर्न लेंगे, एक चेन, फिर हमने एक चेन ली और एक चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से, तो आर्म होल पर भी बना देंगे। ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, इस यहाँ से मैंने स्टार्ट नहीं किया, इससे पहले जो चेन है वहाँ से मैंने स्टार्ट किए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर भी आप सिंगल क्रोशिया की बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच की किनारी की है। देखिए डबल क्रोशिया में हमने डाला, इस तरह से निकाल लिया, फिर नेक्स्ट ये जो चेन है यहाँ पर, हर चेन में हमने इस तरह से क्रोशिया हुक डालकर स्लिप स्टिच बनाना है। क्योंकि चोली बहुत छोटी है तो मैंने आर्म्स की जो किनारी है वो मैंने स्लिप स्टिच की बनाई है। इसके बाद ओके, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब इस चेन में हमने लास्ट स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे। ये दोनों जो धागे हैं रॉन्ग साइड, इनकी नॉट लगा देंगे। दूसरी साइड इसी तरह से इस साइड बनाएंगे, यहाँ पर भी जो हमारा शुरू वाला धागा है और ये आखिर वाला एंड वाला धागा है, इसके भी हम दूसरी साइड नॉट लगाएंगे। देखिए दूसरी साइड भी मैंने आर्म होल पर किनारी बना दी है स्लिप स्टिच से, और धागे मैंने एडजस्ट कर दिए हैं।
देखिए जीरो नंबर चोली के ऊपर भी मैंने किनारी कर दी है, साइड में करना चाहते हैं तो इस तरह से स्लिप स्टिच की बना लें, नहीं तो इसी तरह से रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।